फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक मैं कुछ दिनों से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, और ये पैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और इस पैक से मतलब जो भी आपके दाग धब्बे हैं, जैसे आप इंस्टेंट, जैसे अभी अभी जो दाग धब्बे हुए हैं बिल्कुल नए नए हैं, तो उनको ये रिमूव करेगा। न्यू जितने भी दाग धब्बे होंगे आपके, तो वो रिमूव भी हो जाएंगे, और ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है ये पैक। और आपको ये इससे सारी इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें इसमें मैंने डाली हुई हैं वो आपको आपकी किचन में मिल जाएंगी आराम के साथ। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप, मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, मतलब कर्ड, तो कर्ड का इस्तेमाल किया है मैंने। और अगर आप कर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपकी ड्राई स्किन है, तो आप रॉ मिल्क ले सकते हो। पर मैं अभी, मुझे कभी कभी यहाँ पर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे रॉ मिल्क थोड़ा सा रखना है, तो इसलिए मैं कर्ड का इस्तेमाल कर ले रही हूँ आजकल। और मेरी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं, मेरे चल जाता है, दोनों ही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इस वजह से। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। तो ये वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा देख, मैं हर वीडियो में ही बोलती हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं, व्यूअर्स नए होते हैं, इसलिए मैं रोज़ बोल रही हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है, और नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ अपने हस्बैंड को सेंड करती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ही वहाँ से अपलोडिंग करते हैं लखनऊ से। मैं झांसी में हूँ अभी इस वक्त, और इस टाइम पे मैं झांसी में ही रह रही हूँ अपने मम्मा के यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड अपने घर पर हैं, तो मैं उनको सेंड कर देती हूँ मोबाइल में। जब तक सेंड नहीं हो जाता, टाइम लगता है सेंड करने में भी, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियोज़ आने में, पर ये नाइट में डेफिनेटली पहुँच ही जाता है कोई भी वीडियो। कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपको वीडियो मिल जाए रोज़, लेकिन नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि लेकिन जब भी आपको मिलता है ना, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, आप इसको अप्लाई कीजिए। जो भी मैं बताती हूँ, जो भी आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो उनको भी देखिए, और जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अपने अपने फेस पर अप्लाई करके बताती हूँ आपको, तो आप भी इस चीज़ को बनाकर देखिए, यूज़ करके देखिए, तो आप लोगों को अच्छा लगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आप आराम से कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैंने जो भी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं तो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे इस तरह का कोई भी चीज़ बनाना, तो आप बना सकते हो। मैं इसको, अगर कोई और चीज़ें भी होगी तो मैं बता दूंगी आपको कि ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करके आप ये वाली चीज़ आपको मिल जाए तो वो डाल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये इस पैक के लिए हमें चाहिए कर्ड ले रही हूँ मैं, 1 स्पून ये कर्ड है, तो मैं कर्ड ले रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी हनी, ये डाबर का हनी है, तो मैं डाबर का हनी ले रही हूँ। 1 स्पून, हाफ स्पून मैंने डाल रही हूँ, तो मैंने हाफ स्पून हनी ले लिया है। और मैं थोड़ा सा इसमें, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है ठंडक के लिए, मैं थोड़ा, और स्किन को थोड़ा ग्लो मिले इसके लिए मैं सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ। तो आप कोई भी सैंडलवुड पाउडर ले सकते हो, आपके मार्केट में जो, मतलब आपके नज़दीक के मार्केट में जो भी सैंडल पाउडर मिल जाए तो आप ले लीजिए इसको। और 1 स्पून के करीब आप इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि सैंडलवुड पाउडर बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, और अभी जो मौसम चल रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। तो मैं थोड़ा सा इसमें टर्मरिक भी ले रही हूँ, ये टर्मरिक है बाइल टर्मरिक, मतलब जो कस्तूरी हल्दी आती है वो ये है, तो इसमें इतना ही मैं डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें
मुल्तानी मिट्टी नहीं ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी की जैसे ही क्ले पाउडर आता है तो मैं गुड वाइब्स का क्ले पाउडर ले रही हूँ। इतना क्ले पाउडर ले लूँगी मैं, ये जो क्ले पाउडर होता है ना वो मैं ये ले रही हूँ। ये देखिए, ये पास से दिखा देती हूँ आपको, कैप्चर नहीं कर रहा है शायद, कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा है। आप किया लाइट कायोलिन पाउडर है ये, तो आपकी स्किन में जितना अगर दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने इसको भी हाफ स्पून ले लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें जूस डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा जूस डालूँगी, ऐड कर लेती हूँ। ये मैं ले रही हूँ कुकम्बर का जूस, तो मैं कुकम्बर का जूस में थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने हाफ स्पून इसमें डाल लिया है और जो इसके जो छिलके वगैरह जो मैंने निकाला है इसको कद्दूकस किया है, उसका जो छिलका निकला है तो मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ बाद में, या फिर आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए इन छिलकों को और आप अपनी आइस के ऊपर रख लीजिए। ये जो होते हैं ना, इनको आप इस तरह से रख लीजिए और अपने आइस के ऊपर रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी आपको। जब ये पैक लगाए ना तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फेस को थोड़ा वेट कर लेती हूँ और मैं फेस पैक लगाने जा रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ रोज़ वाटर से वेट और मैंने कर लिया है। और ये है मैंने जो बनाया था फेस पैक, वो ये है। और अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं इस तरह की जो जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए, तो आपको ड्राई स्किन वाले इसमें रॉ मिल्क इस्तेमाल कीजिए ये पैक लगाने के लिए। और ये आपको आप पूरी बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इस पैक को, और अपने या फिर फेस पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ आप चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बॉडी पर। दाग धब्बे हैं, अगर आपको एक्ने है बैक में, उस पर भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको, वर्क करेगा आपकी स्किन पर ये। तो और थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आपको हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है तो मैंने सोचा चलिए लेकिन ये तो ख़त्म कर ही दूँगी वीडियो, और आज यहाँ बारिश भी हो रही है। तो मैं इतना बच जाएगा ये, तो मैं इसको अपने बॉडी पर इस्तेमाल कर लूँगी। और इसी तरह से मैं इसको पतला ही लगा रही हूँ, अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद आप इसको एक बार और कोट लगा सकते हो, मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर डाला है क्योंकि आपकी स्किन को ठंडक भी प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे होंगे उनको भी हल्का करेगा और ग्लोई बनाएगा आपकी स्किन। तो आप सैंडलवुड पाउडर तो डाल ही लीजिए, और चाहें तो आपको पिंपल हैं मतलब मुहासे हैं, या फिर आपको एक्ने हैं, छोटे मोटे मतलब दाने वगैरह हैं, तो उनके लिए आप नीम पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो इस पैक में। जो मैं सारी इंग्रीडियंट्स बता रही हूँ आपको, तो आप इसमें बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह की चीज़ें, और अपने फेस पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और मैंने इसमें कर्ड डाला है, और अगर आप कर्ड नहीं डालना चाहते हैं तो रॉ मिल्क डाल लीजिए। और मैंने इसमें हनी डाला है क्योंकि हनी से मुझे हाइड्रेटिंग मिलती है मेरे फेस को, मतलब मेरी स्किन को हाइड्रेट करना है मुझे, तो मैं इसलिए हनी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हनी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हनी अवॉइड कर दीजिए, आपको कर्ड डाल दीजिए। तो मैं छोड़ देती हूँ इसको 20 मिनट के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा फेस पैक सूख गया है मतलब ड्राई हो गया है, तो मैं अब इसको वॉश कर लेती हूँ। और ये मैंने 20 मिनट लिए रखा है और इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, तो मैं वॉश कर आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट, ठीक है? अभी आती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है और आप देख रहे हैं ग्लो भी आ गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही स्किन स्मूथ और शाइनी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, और स्किन टाइट टाइट सी भी लगती है। अगर आपकी स्किन पर थोड़े बहुत भी रिंकल्स आने शुरू हुए हैं तो वो भी इससे कम हो जाएंगे।
तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ये पैक आप हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बार आप इसको अच्छे से लगाइए और अपनी बॉडी पर भी इसको लगाइए, अच्छा लगेगा ये पैक। और आप इसको लगा के ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा। और मेरी जो लिप कलर था वो भी निकल गया है फेस वॉश किया तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मैं अब चलती हूँ और आप देख लीजिए मेरा ग्लो आ ही गया है। तो मैं चलिए बाय, और आप लोग इस्तेमाल ज़रूर कीजिए इस पैक को। चलिए ठीक है, चलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है ये वीडियो और किस तरह मैंने इस्तेमाल किया है ये भी आप लोगों ने देख लिया है, किस तरह मैं यूज़ की हूँ इसको। आपको फेस क्लीन करके ही इस्तेमाल करना है, कोई भी फेस पैक मैं बताती हूँ वो। और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है। तो आपके स्किन पर हेल्प भी करेगा, आपकी स्किन को मतलब अच्छा भी कर देगा, और ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सभी स्किन सूटेबल है ये पैक। और ये पैक आप अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों की मतलब बहुत, मुझे नहीं लगता है कि मतलब समर्स के समय में ऑयली स्किन वालों को ही शायद ड्राइनेस होती है, नहीं होती है लेकिन उनको भी शायद होती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ड्राई स्किन वालों को मतलब बॉडी में भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है उनकी बॉडी, फेस तो ड्राई रहता ही है लेकिन बॉडी भी ड्राई रहती है, स्वेटिंग समर्स में स्वेटिंग हो उन्हें या ना हो, पर बॉडी जो है वो ड्राई ही रहती है। तो इसके लिए आप इसको बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इस पैक को, ये बहुत ही अमेजिंग पैक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और आपको अगर सैंडलवुड पाउडर ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको कायोलिन ना मिले तो मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नीम पाउडर यूज़ कर लीजिए। दोनों ही चीज़, अगर मुल्तानी मिट्टी मिलती है तो आप नीम पाउडर भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये नीम पाउडर वही लोग लगा सकते, यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस पैक में, जो कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा निशान वगैरह होते हैं, मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा पिम्पल मतलब मुहासे वगैरह होते हैं, पिम्पल मुहासे या फिर एक्ने होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, आपकी बॉडी पर भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि किसी किसी को बहुत ज़्यादा बैक में पिम्पल होते हैं, फेस पर तो होते ही है एक्ने, बैक पर भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पैक है। आप लोग इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये पैक कैसा लगा। और आप ड्राई स्किन है तो आप रॉ मिल्क इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने इसमें कुकम्बर जूस डाला हुआ है, तो कुकम्बर जूस से अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो वो श्रिंक हो जाएंगे और दाग धब्बे तो चले ही जाएंगे डेफिनेटली, ये मैं बता रही हूँ। और थोड़ा सा अगर आप बाय टर्मरिक खरीद लेते हैं ना, आप परचेस कर लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, तो आप बोल ले लेंगे ना, तो आपके जो पिंपल हों, पिंपल्स के निशान वगैरह होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए वहाँ से आप ले सकते हो, और मतलब ग्लो भी आता है इससे और निशान वगैरह भी आपके गायब हो जाएंगे डेफिनेटली। बिल्कुल अच्छा पैक है, आप इस्तेमाल कीजिए और यूज़ कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। तो चलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगी और आप लोगों के साथ अगला वीडियो शेयर करूँगी। बाय, लाइट चली गई।